हाय गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। क्या दोस्तों आपका बजट 10,000 है? 10,000 के प्राइस सेगमेंट में आपको स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो दोस्तों बहुत सारी कंपनी के स्मार्टफोन आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों जब भी हम कोई स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं मार्केट से तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन खरीदे, कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए बेटर रहेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ, तो आपको कौन सा स्मार्टफोन 10,000 के प्राइस सेगमेंट में खरीदना चाहिए, कौन से प्रोसेसर वाला, कौन से कैमरे वाला, कौन से बैटरी बैकअप वाला। दोस्तों वीडियो के तक बने रहिएगा, मैं हूं जिग्नेश, आप देख रहे हैं कैमचेटेक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे जो आपको अंडर 10,000 के रुपए में मिल जाएंगे। आज हम पांचवें नंबर से शुरू करेंगे और फिर लास्ट में पहले नंबर तक जाएंगे, मतलब कि दोस्तों पांचवें नंबर वाला फोन ठीक ठाक होगा और पहले नंबर वाला फोन बेस्ट होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट में पांचवें नंबर पे आने वाला फोन है सैमसंग का सैमसंग M01। ये दोस्तों फोन मैं उन्हीं लोगों को प्रेफर करूंगा जो सैमसंग लवर है और 10,000 के प्राइस सेगमेंट में कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको 3GB रैम, 32GB फोन स्टोरेज देखने को मिल जाता है। एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड इस फोन में आप लगा सकेंगे। ये स्मार्टफोन दोस्तों 8399 के प्राइस सेगमेंट में आपको देखने को मिलने वाला है। डिस्प्ले की बात करते हैं दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको 5.71 इंच की इन्फिनिटी वी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर दोस्तों इस फोन में आपको क्वाडकॉम स्नैपड्रैगन 439 मिलता है। वहीं दोस्तों 4000 MAH की बैटरी बैकअप मिल जाएगी, आपको 10V चार्जिंग मिल जाएगा। साथ ही ये फोन दोस्तों एंड्रॉइड 10 पर काम करता है। कैमरे की बात करते हैं दोस्तों, बैक साइड में आपको दो कैमरे मिल जाएंगे। पहला कैमरा प्राइमरी 13 MP का और दूसरा कैमरा 2 MP का डेप्थ सेंसर है। वहीं दोस्तों वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए आपको फ्रंट में 5 MP का एक कैमरा देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि हमारा चौथे नंबर पे आने वाला स्मार्टफोन कौन सा है। फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस। ये फोन दोस्तों आपको 3GB रैम और 32GB फोन स्टोरेज के साथ देखने को मिल जाएगा। प्राइस की बात करते हैं दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको 7,990 रुपए के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों ये फोन ड्यूअल सिम प्लस एक एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड के साथ आता है। इस फोन के दोस्तों दो फीचर्स सबसे ज्यादा हाईलाइट किए गए हैं और वो दो फीचर्स हैं दोस्तों, बड़ी डिस्प्ले और 6000 MAH की दमदार सुमो बैटरी। दोस्तों इस फोन में आपको 6.82 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर प्लस फेस अनलॉक भी दिया हुआ है। प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों यह स्मार्टफोन मीडियाटेक हेलियो 825 प्रोसेसर पर काम करता है। दोस्तों ये फोन में बैक साइड में आपको 13 MP का कैमरा प्लस डेप्थ सेंसर दिया हुआ है। वहीं दोस्तों फ्रंट में आपको 8 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा। दोनों ही साइड दोस्तों फ्रंट और बैक में आपको फ्लैश दिया हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि ये फोन किसको खरीदना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप गेमिंग लवर हो तो आपको ये फोन नहीं खरीदना चाहिए, मैं आपको ये फोन प्रिफर नहीं करता। दोस्तों ये फोन में उन लोगों को प्रेफर करूंगा जो वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन जॉब करते हैं और साथ ही दोस्तों जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं उनको दोस्तों एक बड़ी डिस्प्ले वाला और बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, हमारा तीसरे नंबर पे आने वाला स्मार्टफोन है रियलमी का रियलमी C15। ये मॉडल दोस्तों हाल ही में कंपनी ने लॉन्च किया है और दोस्तों 27 अगस्त से ये मॉडल सेल के लिए जाने वाला है। डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच की मिनी ड्रॉप फुल स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इस फोन में कैमरा सेटअप दिया हुआ, रियलमी कंपनी का सी सीरीज का यह पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलने वाला है। इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको 13 MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का ब्लैक एंड व्हाइट और 2 MP का रेट्रो रेयर मिल जाएगा। वहीं दोस्तों 8 MP का सेल्फी के लिए कैमरा भी इस फोन में दिया हुआ। स्मार्टफोन में दोस्तों आपको 6000 MAH की दमदार सुमो बैटरी देखने को मिल जाएगी जो 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। मतलब कि दोस्तों अगर आप नॉर्मल यूज करोगे तो 3 दिन तक ये बैटरी चलने ही वाली है। और वहीं दोस्तों अगर आपका यूज ज्यादा है और आप गेमिंग भी कर रहे हो तो भी दोस्तों ये 2 दिन तो कंपलसरी बैटरी चलेगी ही आपके स्मार्टफोन में। प्रोसेसर की बात करें दोस्तों, रियलमी C15 में आपको मीडियाटेक हेलियो G35 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो एक गेमिंग प्रोसेसर है। और दोस्तों आप गेमिंग लवर है तो ये फोन में आपको जरूर प्रेफर करेगा क्योंकि G35 एक गेमिंग प्रोसेसर है। दोस्तों प्राइस की बात करें तो ये फोन आपको 9,999 रुपए में देखने को मिलने वाला है जो 3GB रैम और 32GB फोन स्टोरेज के साथ आता है। ये फोन दोस्तों 256GB तक एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड भी सपोर्ट करता है। साथ ही दोस्तों इस फोन में आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलने वाला है। चलिए दोस्तों बढ़ते ही आगे देखते हैं कि दूसरे नंबर पे
आने वाला स्मार्टफोन कौन सा है। दूसरे नंबर पे आने वाला स्मार्टफोन भी दोस्तों Realme कंपनी का ही, और ये मॉडल है दोस्तों Realme Narzo 10A। दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको 6.5 इंच की मिनी ड्रॉप फुल स्क्रीन डिस्प्ले के साथ देखने को मिलने वाला है। इस फोन में दोस्तों आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया हुआ है, जिसमें दोस्तों 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और 2 और 2-2 मेगापिक्सल के स्मार्टफोन में लेंस दिए हुए हैं। वहीं दोस्तों बैक साइड में आपको 5 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिल जाएगा। इस फोन में दोस्तों आपको 5000 मेगाहर्ट्ज़ की दमदार बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो आपको आराम से 1.5 या 2 दिन का बैटरी बैकअप देने वाली है। प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक हेलियो G70 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो एक अच्छा खासा गेमिंग प्रोसेसर माना जा रहा है। ये मॉडल दोस्तों आपको 2 वेरियंट में मिलता है। पहला वेरियंट है दोस्तों 3GB रैम और 32GB फोन स्टोरेज, ये वेरियंट आपको 8999 रुपये में मिल जाएगा। वहीं दोस्तों इसका दूसरा वेरियंट 4GB रैम और 64GB फोन स्टोरेज वाला आपको 9999 रुपये में देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप 4GB 64GB वेरियंट ही खरीदिए। ये फोन दोस्तों एंड्रॉइड 10 पर आधारित Realme UI पर काम करता है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमारी लिस्ट का आखिरी और नंबर 1 स्मार्टफोन कौन सा है। गेस करिए, 5 सेकंड में देता हूँ आपको, कौन सी कंपनी का होगा। 1, 2, 3, 4, 5 और वो है Redmi 9 Prime। इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको 6.53 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। साथ ही इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको 5020 मेगाहर्ट्ज़ की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। लेकिन दोस्तों बॉक्स में आपको 10W चार्जिंग ही मिलने वाला है। प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek Helio G80 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 10,000 के प्राइस सेगमेंट में G80 प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। दोस्तों आप गेमिंग लवर हो तो डेफिनेटली आपको यही स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। साथ ही दोस्तों कैमरे की बात करें तो यह फोन क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है, जिसमें दोस्तों 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है। वहीं दोस्तों 5 मेगापिक्सल का आपको इसमें मैक्रो मिल जाएगा। वहीं दोस्तों 2 मेगापिक्सल का इसमें डेप्थ सेंसर लेंस दिया हुआ। साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का AI कैमरा भी मिलने वाला है। ये फोन दोस्तों 4GB रैम और 64GB फोन स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी प्राइस है दोस्तों 9999 रुपये। ऑल ओवर दोस्तों देखा जाए तो इस स्मार्टफोन में आपको अच्छी बैटरी मिल जाती है, जो 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, फुल HD IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, अच्छा क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, अच्छी प्राइस है, 4GB 64GB वाला वेरिएंट है, वो भी 10,000 की प्राइस सेगमेंट में। तो इस हिसाब से ये एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है दोस्तों, ये कोई भी खरीद सकता है, हर किसी के लिए ये फोन यूजफुल होगा। तो दोस्तों इसीलिए हमने इस फोन को नंबर 1 पे रखा है। आपका क्या विचार है, यही फोन नंबर 1 पे होना चाहिए या और कोई, हमें कमेंट करके जरूर बताना। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।